नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राधिका मेकओवर्स में। मैं ऋचा त्रिपाठी आज आपके लिए समर स्किन केयर रूटीन लेके आई हूँ। उसके लिए आपको गाइस करना है, अपने फेस के लिए एलोवेरा जेल लिया हुआ है मैंने मैंने यहाँ पतंजलि का लिया हुआ है, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। इसको लेके आपको हाफ टी स्पून लीजिए और इसको पूरे फेस पे मसाज कर दीजिए। यहाँ पे मैं नाइट में ही कर रही हूँ, मेरा फेस दिन से जैसा था मैंने उसी पे एलोवेरा लिया और अच्छे से मसाज करके पूरा निकाल दिया पाइप से। पाइप से निकालने के बाद में अच्छे से निकालिए, हाथ बहुत हल्का चलाइएगा, किसी भी तरह का आपका मेकअप है ये निकल जाएगा बहुत ही आसानी से। और एलोवेरा के साथ अगर आप मसाज करके इस तरह से निकालते हैं तो आपकी स्किन में बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहती है आपकी स्किन। एलोवेरा में जो भी प्रॉपर्टी होती है वो आपकी स्किन में अच्छे से आप वो मेकअप को रिमूव कर देती हैं, क्योंकि एलोवेरा जो है वो एक क्लींजिंग मिल्क की तरह काम करता है स्किन में। अब यहाँ पे मैंने रोज़ वाटर लिया, रोज़ वाटर को भी स्प्रे करके उसको हल्के से वाइप कर दिया ताकि अगर थोड़ा बहुत कोई मेकअप प्रोडक्ट मेरे फेस में हो वो निकल जाए। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ पैक, ले रही हूँ यहाँ पे मैंने हिमालय का केसर पैक लिया है, आपको जो भी सूट करता हो जो वो ले लीजिए, या इस पैक को अगर आप यूज करना चाहें तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, आपके फेस पे तुरंत ग्लो लेके आता है, टैनिंग वगैरह को रिमूव करता है। और जो एलोवेरा जेल हम लगा रहे हैं, एलोवेरा जेल से भी स्किन से या टैनिंग वगैरह एकदम से रिमूव हो जाती हैं और इससे डेड स्किन भी लगभग निकल जाती है। इस तरह से पैक को लगाया हमने, हमेशा पैक जब लगाएं अपर डायरेक्शन में लगाएं। हो क्या रहा है गाइस, धूप इतनी तेज़ हो गई है जिससे हमारी स्किन में टैनिंग हो रही है, तो टैनिंग से बचने के लिए स्किन में पैक लगाने बहुत ज़रूरी है। अगर आप पैक लगाएंगे तो आपके स्किन में ब्लैकनेस वाली या अनइवन स्किन वाली प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी आपको, सूरज की रोशनी से स्किन जो बर्न हो जाती है वो प्रॉब्लम भी फेस नहीं करनी पड़ेगी। कई लोगों का हो रहा है जो मैसेज आ रहे हैं कि जो हिस्सा मतलब खुला रह रहा है वो स्किन सूरज की रोशनी से जल रही है, उससे कालापन आ रहा है, तो गाइस उसका दो चीज़ें आप अपनी रूटीन में शामिल कीजिएगा। एलोवेरा जेल, आप इसको एलोवेरा जेल को एज अ पैक भी लगा सकते हैं, मसाज की तरह उसको क्रीम की तरह लगाइएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहाँ पे जो मैं प्रोसेस कर रही हूँ, मैंने पैक लगा के छोड़ दिया था 10 मिनट के लिए, जैसे ही ये सूखा वैसे ही आपको क्या करना है, रोज़ वाटर का स्प्रे किया मैंने और उसको हल्के हाथ से मसाज करके, मसाज करने के बाद में हम इसको वाइप आउट करते हैं। डायरेक्ट स्किन में मत करिएगा, स्किन में खिंचाव होता है, स्किन में रैशेज भी हो जाते हैं। जब इस तरह से करते हैं आप मसाज करके इसको निकालते हैं तो पैक की जो प्रॉपर्टी होती हैं वो स्किन में एब्जॉर्ब होती हैं और बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलता है। अब इसको धीरे धीरे हल्के हाथ से वाइप की हेल्प से निकाल दीजिएगा। देखिए इस तरह से हमेशा अपर डायरेक्शन, फेस में जो भी काम करें अपर डायरेक्शन में ही करें, नीचे की तरह डाउनवर्ड डायरेक्शन में कोई भी काम ना करें, वरना स्किन का लूज होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। मैं दिखा रही हूँ, मैंने यहाँ पे डोंगे में वाटर लिया था क्योंकि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ तो उसी के अकॉर्डिंग काम कर रही हूँ। आप चाहें तो ये वॉश बेसिन पर जाके भी ये काम कर सकते हैं। ये देखिए निकाल दिया, मैं यहाँ पे रोज़ वाटर का स्प्रे एक बार फिर करूँगी, क्योंकि गर्मियों में आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ वाटर का स्प्रे करेंगे और इस तरह से स्किन को थपथपाएंगे तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और उसके साथ में जो रोज़ वाटर की प्रॉपर्टी है वो स्किन में अंदर एब्जॉर्ब होंगी और वो वर्क बहुत अच्छे से करेगा, जिससे आपके स्किन में एक ताजगी मिलेगी। अब उसी एलोवेरा जेल के साथ में मैंने फिर से लिया एलोवेरा जेल, अब इसको हम अच्छे से मसाज करेंगे। मसाज पर ध्यान दीजिएगा, 30-40 ईयर के जो लेडीज़ हैं उनके लिए मसाज बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इस तरह से अगर आप अपने फेस पे मसाज करेंगे तो आपका फेस जो है वो ऊपर की साइड स्किन में आपके वो स्किन आपकी लटकेगी नहीं, स्किन में जो रिंकल्स वाली प्रॉब्लम, देखिए आपके देखते ही देखते कितना फ़र्क आ गया, मैंने जो आईब्रो पे ऊपर मसाज किया हुआ था उससे देखिए कितना कसाव स्किन में आता है। तो इस तरह से मसाज करेंगे स्किन में कसाव मिलेगा। ये देखिए ये यहाँ से क्या होता है कि स्किन लूज होने लगती है तो वो नीचे की तरफ आती है केज के बाद में, तो आपको ऊपर की साइड इसको करके मसाज करनी है ताकि आपकी स्किन में कसाव बना रहे, स्किन नीचे की साइड ना लटके, झुर्रियाँ ना आए स्किन में। तो इस तरह से मसाज करने के बाद नेक पे आपको मसाज करनी है, नेक पे मसाज करने के बाद में आप इसको एज अ पूरा नाइट के लिए आप इसको छोड़ दीजिएगा। ये देखिए लिप बाम लगा दीजिएगा, लिप पे लिप का केयर करना बहुत ज़रूरी है, लिप बाम लगा दीजिएगा। यहाँ पे आपका स्किन केयर रूटीन, नाइट स्किन केयर रूटीन कंप्लीट होता है और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।